रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र पिछले कुछ दिनों से पुलिस की वर्दी पहनकर लूट करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने साथियों के साथ मिलकर लूट को अंजाम देता था। हाईवे पर आते जाते लोगों को रोककर तमंचे के बल पर अपने घर ले जाकर नशा देकर नशे की हालत में वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर ठगी करते थे। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा ने बताया कि पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। युवक अपने साथियों के साथ मिलकर लूट और ठगी करता था। जी, इसमें पुलिस को शिकायत मिली थी, दो युवक और एक उनका संगठन गैंग मिलकर कुछ लोगों को पुलिस वाले बनकर मूर्ख बनाते हैं, उनसे धोखाधड़ी करते हैं, ठगी करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। इस पर पुलिस ने मुकदमा कायम कर जांच शुरू की, जिसमें कि एक युवक राम सिंह गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ पर इसने बताया कि इसके एक साथी एक युवक संजीव उर्फ विवेक है और उनकी एक पत्नी है लकी। ये तीनों और इनके साथी मिलकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ये काफ़ी समय से सिविल लाइन थाने में संजीव जो है अपना आप कांस्टेबल बताता था और वहीं थाना क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करता था और उनसे अलग अलग कार्य करवाने के बहाने उनसे पैसे ऐंठता था। यह भी जानकारी में आया कि इन्होंने रात में चेकिंग के बहाने लोगों को रोक कर उनसे वसूली की। वहीं लोगों को अपने घर ले जाकर नशा देकर नशे की हालत में महिला साथी के साथ वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग कर धमका कर पैसे भी वसूलता था। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके दो साथी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। रामपुर से बाबर खान की रिपोर्ट, एनीवन न्यूज़।